गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। आज अमित शाह कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में पश्चिम बंगाल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। अमित शाह शहीदों पर एक प्रदर्शनी की शुरुआत करेंगे। अपने दौरे के पहले दिन अमित शाह ने ममता बनर्जी को बीजेपी की ताकत दिखाई। उन्होंने ममता बनर्जी की हर उस कमजोर कड़ी पर निशाना साधा जिसका बीजेपी को फायदा और टीएमसी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के नारायणपुर गांव में राजवंशी समुदाय के एक परिवार के घर खाना खाया। यही नहीं, उन्होंने वहां एक रैली को संबोधित करते हुए लोगों से जय श्री राम के नारे भी लगवाए। अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के पांचवें चरण की शुरुआत की और एक रोड शो भी किया जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटी नजर आई। अमित शाह ने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भरोसा दिया। अमेरिका की अटलांटिक सिटी में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मशहूर होटल और कैसीनो रहे ट्रंप प्लाजा को धमाका करके गिरा दिया गया। ट्रंप ने 1984 में इस 34 मंजिला बिल्डिंग को बनवाया था लेकिन 2014 में यह बंद कर दी गई। 30 साल से ज्यादा पुरानी यह इमारत जर्जर भी हो चुकी थी जिस वजह से उसे गिराना जरूरी हो गया था। बिल्डिंग को ढेर करने की जो तस्वीरें सामने आईं वो किसी हॉलीवुड फिल्म के एक्शन पैक्ड सीन की तरह दिखी। बरसों में बनकर तैयार हुई इमारत का वजूद मिटने में 20 सेकंड भी नहीं लगे, वो खड़े खड़े ही जमींदोज हो गई। इतनी ऊंची बिल्डिंग के गिरने से आसपास कोई नुकसान न हो इसलिए उसमें 3000 से ज्यादा डायनामाइट के पीस फिट किए गए थे। फिर जैसे ही उनमें धमाका हुआ इमारत ढह गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें कई टन मलबे का ढेर नजर आया। जहां कभी ट्रंप प्लाजा कही जाने वाली आसमान छूती बिल्डिंग हुआ करती थी वहां खाली मैदान दिखा। मशहूर इमारत को अपनी आंखों के सामने लाइव गिरते हुए देखने के लिए बाकायदा शो रखे गए जो कि हाउसफुल नजर आए। आसपास के होटलों ने इमारत के गिरने का शानदार व्यू देने के लिए पैकेज तक दिए और जब वो टूट कर बिखर गई तो दर्शक जश्न मनाते दिखे। ट्रंप प्लाजा के नाम से मशहूर रही इस बिल्डिंग में फिल्मी सितारे, खेल की दुनिया की हस्तियां पार्टी किया करती थी। हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में भी ये इमारत दिखाई गई लेकिन अब यहां एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने पर विचार किया जा रहा है। पंजाब के फरीदकोट से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें बदमाशों ने दिनदहाड़े यूथ कांग्रेस के नेता गोलाल सिंह पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी। बीच बाजार अंजाम दी गई इस वारदात ने लोगों को खौफ से भर दिया जिसकी तस्वीरें वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जिनमें एक तस्वीर में शहर के जुबली सिनेमा चौक के पास गुरलाल सिंह पहलवान एक दफ्तर से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते दिखे। गाड़ी के पास पहुंचकर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला पीछे से आए दो बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गए जिसके बाद उन बदमाशों ने उन पर कई और गोलियां दाग दी। इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। घायल हालत में गुरलाल सिंह को अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। दिन दहाड़े कांग्रेस के एक नेता की हत्या की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंच गए। इस बीच वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या से जुड़े सबूत जुटाने के लिए वहां फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया गया। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर घटना की निंदा की और पुलिस को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जम्मू कश्मीर से जहां पर शोपिया में मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है तो सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। एक आतंकी मारा गया है और अभी भी आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी है। कई और आतंकी वहां पर हैं और लगातार सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को घेरा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया से जहां पर एक आतंकी मारा गया है। यहां पर सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है और इस वक्त आतंकवादियों से मुठभेड़ चल रही है। रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। रिफत और क्या जानकारी मिल रही है? जस्मीन, तो मैं आपको बता दूं दो जगह पे ऑपरेशन चल रहे हैं। एक तो साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके में ऑपरेशन चल रहा है जहां पे बताया जा रहा है कि एक मिलिटेंट मारा गया, हालांकि अभी उसकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। दो से तीन मिलिटेंटों की खबर मिली थी सुरक्षा बलों को और उसके बाद कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। रात को ही कुछ फायर की आवाज सुनाई दी गई लेकिन अब जो है फायरिंग वहां पे लगातार हो रही है। और दूसरा जो एनकाउंटर है ये पेटगाम एरिया है, ये बीरवा के डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है और वहां पे भी एनकाउंटर जारी है और वहां बताया जा रहा है कि दो मिलिटेंट वहां पे हो सकते हैं लेकिन वहां पे दो पुलिस के लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कुल मिला के दो ऑपरेशन चल रहे हैं, एक साउथ कश्मीर में और दूसरा सेंट्रल कश्मीर में। जसप्रीत, नवी मुंबई की
तलोजा जेल से दो दिन पहले निकले एक शख्स का लोगों ने ऐसा स्वागत किया कि पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। 6 साल बाद सलाखों से आजाद हुए इस आदमी के लिए गाड़ियों का लंबा काफिला, आतिशबाजी, शोर शराबा और हंगामा ऐसा कि देखने वालों को होश उड़ जाए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि ऐसा रुबाब किसी विधायक, सांसद या मंत्री का नहीं, बल्कि पुणे में गैंगस्टर के तौर पर मशहूर गजानन मारने का था। जेल का गेट खुला तो वो एक खुली छत वाली एसयूवी कार में खड़े होकर हाथ हिलाते हुए बाहर निकला। चमचमाता हुआ सफेद कुर्ता, चेहरे पर विजयी मुस्कान, हाथ हिलाने और हाथ जोड़ने का अंदाज बिल्कुल नेताओं वाला, और कार के दोनों तरफ लटके कई सुरक्षा कर्मी। रुबाब बिल्कुल ऐसा जैसे कोई नेता चुनाव जीतकर वोटरों का अभिवादन करने निकला हो। गजानन मारने कई साल जेल में रहने के बाद बरी होकर जेल से बाहर निकला था, लेकिन उसके बाहर आते ही शहर ठप पड़ गया। जेल तक लेने आई गाड़ियों की गिनती इतनी थी कि गिनना मुश्किल हो जाए। सैकड़ों गाड़ियां एक साथ जब नवी मुंबई और पुणे को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे पर गुजरी तो सब कुछ ठहर गया। दूर दूर तक केवल गाड़ियों का लंबा काफिला दिखने लगा। और काफिले में शामिल गजानन मारने के चाहने वालों ने इतने वीडियो बनाए कि उसके लिए नई मुसीबत खड़ी हो, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने में देर नहीं लगी। गैंगस्टर के तौर पर मशहूर इस शख्स के जेल से रिहा होने पर निकला काफिला जब सोशल मीडिया पर छाने लगा तो पुलिस ने गजानन के खिलाफ नया केस दर्ज कर लिया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में फिल्मी गानों की धुनों का भी खूब इस्तेमाल किया गया। हालांकि एक्सप्रेसवे पर बिना इजाजत पूरे तामझाम के साथ काफिला निकालने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे जमानत भी मिल गई। बंगाल में AIMIM अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि AIMIM पश्चिम बंगाल में इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर सकती है। राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन ये तय करेगा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट को कितनी सीट मिलेंगी। इसके बाद इंडियन सेकुलर फ्रंट अपने हिस्से की कुछ सीटें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को देगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों, छात्रों और विदेश में रहने वाले भारतीयों के वोट के अधिकार पर जवाब मांगा। इसके लिए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा गया। इससे पहले अदालत में ये याचिका दाखिल की गई थी कि अमूमन छात्र और मजदूर अपने घर से बाहर किसी और शहर में रहते हैं, ऐसे में वो अपना वोट नहीं दे पाते। इसी के लिए कानून में बदलाव किए जाने की मांग की गई ताकि वो दूसरी जगहों से भी अपना वोट दे पाए। जम्मू के रियासी जिले में सुरक्षा बल ने आतंकियों के एक ठिकाने पर छापेमारी की और वहां से बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सबसे ज्यादा प्रभावित यवतमाल, अमरावती और अकोला जिले में पाबंदियां सख्ती से लागू कर दी गई हैं। अमरावती में शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं यवतमाल में भी सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। 28 फरवरी तक रात 8 बजे के बाद 5 लोगों के अधिक लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो पाएंगे और स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। अकोला में भी प्रशासन ने लोगों को कोरोना नियमों की अनदेखी नहीं करने की चेतावनी दी है। खबर है कि इन तीन जिलों में कोरोना की रोकथाम के लिए आज डिप्टी CM अजीत पवार दोपहर 12:30 बजे राज्य के सचिव के साथ चर्चा करेंगे। मुंबई के नगर निगम BMC ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम के लिए कमर कस ली है। BMC ने निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि अगर एक इमारत में 5 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर पूरी इमारत को सील किया जाएगा। BMC ने मास्क नहीं पहनने पर एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 300 अतिरिक्त मार्शल तैनात किए जाएंगे। BMC की टीम शादियों या दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में छापेमारी कर मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करेगी। कृषि सुधार बिलों की वापसी पर अड़े किसानों ने देश के कई शहरों में रेलों को रोकने की कोशिश की। हालांकि ज्यादातर जगहों पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई, जिसकी वजह से ट्रेनों को रोकने की किसानों की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि कई स्टेशनों पर किसान संगठनों से जुड़े लोग भारी संख्या में पहुंचे। ग्रेटर नोएडा का धनकौर रेलवे स्टेशन भी ऐसे ही स्टेशनों में रहा। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी जब स्टेशन पर पहुंचे तो उनका पुलिस से सामना हो गया। भारत माता की जय। पुलिस की भारी तैनाती देखकर प्रदर्शनकारी स्टेशन के बाहर ही जमीन पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों की कोशिश रेल रोकने की नहीं बल्कि ट्रेनों में चढ़कर यात्रियों को फल और पानी की बोतलें देने की भी थी। कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम पानी, दूध, फल,
बिस्किट आदि सब लेकर के आए, लेकिन पुलिस ने किसानों को स्टेशन के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। जो किसान हैं वो पहुंचे हुए हैं, इन सभी को स्टेशन पर जाना था, लेकिन इन सभी से पुलिस ने कहा है कि वो इस जगह पर ही बैठ जाएं। दिल्ली के बड़े स्टेशनों पर भी सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। हालांकि हरियाणा में कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों तक पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठकर काफी देर तक नारे लगाते रहे। कुछ ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में नारे लगाते हुए पटरियों तक पहुंचे। औरंगाबाद जिले के लासूर स्टेशन पर किसान काफी देर तक ट्रेनों के सामने ट्रैक पर ही डटे रहे, जिन्हें पुलिस को जबरन हटाकर पटरियां खाली करवानी पड़ी। इटली के सिसिली से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां माउंट एटना ज्वालामुखी में लगातार होते धमाके और उससे निकलने वाले लावे और राख ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। एटना यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, जो लगातार लावा, राख और छोटे पत्थर उगल रहा है। कई किलोमीटर दूर से ज्वालामुखी की जो तस्वीरें ली गई, उनमें रात के घुप अंधेरे में भी खौलते लावे की वजह से आंखें चौधियां देने वाली रोशनी निकलती दिखाई दी। इस बीच ज्वालामुखी में ताबड़तोड़ धमाके होते रहे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया। इसके बाद जब लावा नीचे गिरने लगा तो उसे देखकर ऐसा लगा जैसे आसमान से अंगारों की बारिश हो रही हो। राख और धुएं के गुबार ने आसपास के कई किलोमीटर के दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी से खौलता लावा तेजी से नीचे की तरफ बहता नजर आया। देखने से ऐसा लगा जैसे वहां धधकते लावे की कोई नदी बह रही हो। स्पेन के बार्सिलोना में गायक पाब्लो हसल की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा दूसरे दिन भी जारी रही। दो दिन पहले पाब्लो हसल को राजशाही के अपमान और आतंकियों की तारीफ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ दूसरे दिन भी प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर उत्पात मचाया। रास्तों पर खड़ी कई गाड़ियों को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। कई कूड़ेदानों में उन्होंने आग लगा दी। एक लड़की ने तो अपनी साइकिल तक को आग में झोंक दिया। रात के अंधेरे में पूरा शहर आग में सुलगता नजर आया। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी उन इलाकों में पहुंचे जहां आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। वहां पहुंचने के बाद वो फटाफट आग बुझाने में लग गए। पुलिस ने जब हालात संभालने की कोशिश की तो लोगों ने उस पर भी हमला कर दिया। बात यहीं नहीं रुकी, एक जगह पर तो कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस की एक गाड़ी को घेर कर उस पर हमला करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने रबर की गोलियां दाग कर उन्हें वहां से खदेड़ा। इसके बाद भी उपद्रवियों ने उत्पात मचाना बंद नहीं किया तो पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी। सड़कों पर हंगामा और नारेबाजी कर रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए उसे लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी हालात नहीं बदले, उल्टे लोगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। Sobre algo que en principio es cierto también que se condene a nadie y que se le entierre en la cárcel. एक जगह पर तो कुछ समर्थक गाना गाकर पाब्लो हसल की गिरफ्तारी का विरोध करते दिखे। हंगामा, तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में पुलिस ने 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया। इस हिंसक प्रदर्शन में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि को आज रिमांड खत्म होने पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि दिल्ली पुलिस की साइबर सेल कोर्ट से दिशा रवि की रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी। अब तक की पूछताछ में दिशा रवि ने कई बड़े राज बेपर्दा किए हैं। खबर है कि टूलकिट साजिश की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की साइबर सेल दिशा रवि को बेंगलुरु लेकर जाने की तैयारी में जुटी है। जांच में पुलिस को पता चला है कि टूलकिट साजिश के मास्टरमाइंड और खालिस्तानी समर्थक संगठन पीजेएफ के फाउंडर मो धालीवाल ने जानबूझकर दिशा रवि को अपने साथ जोड़ा ताकि सुरक्षा एजेंसियां उसके मंसूबों को ना समझ पाए। उधर जांच से खबराई दिशा रवि ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस को ये निर्देश देने की गुहार लगाई है कि जांच से जुड़े दस्तावेज और चैट मीडिया में लीक ना की जाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो दलित नाबालिग लड़कियों की जहर से मौत होने के बाद की बात सामने आई। एक दिन पहले तीन चचेरी बहनें जानवरों के लिए चारा लेने निकली थीं, लेकिन कुछ घंटों बाद तीनों एक खेत में बेहोश पड़ी मिली, जिनमें दो की मौत हो गई।
जिसके बाद पुलिस की टीम एक्शन में आ गई और वारदात से जुड़ा एक एक सबूत जुटाने के लिए क्राइम सीन पर पहुंची। फोर्स के लोग भी यहां आए हैं और इसी जगह का देखिए अब मुआयना भी किया जा रहा है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर ये स्पॉट था जहां बच्चियां थीं। एक ही परिवार की तीन नाबालिग लड़कियों के साथ हुई घटना की खबर जंगल की आग की तरह इलाके में फैल गई और उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया। विधायक, स्थानीय नेता और आसपास के गांवों के लोग भी वहां पहुंच गए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर की पुष्टि ने पुलिस के शक पर मोहर लगा दी। ये भी देखा गया है कि घटनास्थल पे काफी झाग वगैरह पड़ा था। हालांकि लड़कियों के परिवार ने एक अलग ही दावा किया। कर्जमा बंधे रहा, गला बंधा था। क्या दुपट्टा लपेटा हुआ था कि तीन चक्कर रहे हैं? तीन चक्कर लपेटा हुआ था। इसलिए अब लड़कियों के परिजन CBI जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका दावा है कि उनका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। ऐसे में उनकी बेटियों के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ, ये बात उन्हें भी समझ नहीं आ रही है। बताया गया कि एक दिन पहले दोपहर में तीनों चचेरी बहनें चारा लेने गई थीं, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो उनके घर वाले उन्हें ढूंढने के लिए निकले। तीनों लड़कियों को खेत में अधमरी हालत में देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। आनंद फानन में तीनों को स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया, जहां दो लड़कियों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरी लड़की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही SP और ASP घटनास्थल पर पहुंचे। गांव में हालात न बिगड़े इसलिए वहां भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस ने FSL टीम को भी बुलाया जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी, और तो और उन्नाव की इस घटना पर DGP ने ADG जोन और IGC रिपोर्ट भी मांगी। वहीं उन्नाव की घटना से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। समाजवादी पार्टी ने तो उन्नाव की घटना का अंजाम हाथरस की तरह होने का शक जता दिया। हमें आशंका है कि उन्नाव की घटना को BJP सरकार और उन्नाव की पुलिस हाथरस जैसी घटना न बना दे। बिहार के समस्तीपुर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के समय कुछ लड़के पिस्तौल लहराते दिखे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कुछ लड़के एक पिस्तौल को बारी बारी हाथों में लेकर लहराते नजर आए। सभी को देखने पर ऐसा लगा जैसे वो नशे में हो। पिस्तौल लहराते हुए संगीत की धुन पर सभी डांस करते हुए आगे बढ़ते रहे। राहत की बात यह रही कि उनकी इस हरकत से कोई हादसा नहीं हुआ। अफ्रीकी देश केन्या पर टिड्डियों का 70 साल में ऐसा खतरनाक हमला हुआ है कि वहां अकाल पड़ने की नौबत आ गई है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि टिड्डियों के खात्मे के लिए संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी वहां मोर्चा संभाल रही है, क्योंकि सामने आई तस्वीरों में अनगिनत टिड्डियों का ऐसा विकराल झुंड केन्या में आतंक मचाता नजर आया, जिनसे निपटना आम लोगों के बस की बात नहीं। वहां का एक बड़ा इलाका टिड्डियों के कब्जे में दिखा। इतनी टिड्डियां कि सामने साफ साफ देख पाना तक मुश्किल हो गया। भुट्टे के बड़े बड़े खेत देखकर टिड्डियों को ऐसी दावत सूझी कि वो उन पर चिपट ही गईं और किसानों की कमर तोड़ मेहनत को बड़ी ही बेशर्मी से चट करती दिखी। अपनी फसल को लुटता देख किसान चीजें बजाकर कपड़े हिलाकर टिड्डियों को भगाते दिखे, लेकिन सब उपाय बेनतीजा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी की स्पेशल टीम ने टिड्डियों से मुकाबला करने के लिए हवाई जहाज मैदान में उतार दिए, ताकि बड़े इलाके में जल्द से जल्द कीटनाशक का छिड़काव किया जा सके। इस काम में वो काफी कामयाब हुए हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं। A lot of people around the swarm, so it's hard to spray. टिड्डियों के सफाए के लिए एक कंट्रोल रूम और ऐप भी बना दिया गया है। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में 6-3, 6-4 और 6-2 से जीत हासिल कर ली। इसी के साथ वो 9वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग की एक बैठक हुई। इस बैठक में केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की संख्या पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया। मतदाताओं ने उसको चुन करके सांसद में भेजा है, उनकी आवाज वहां तक ना पहुंचे ये फैसला करने का उसे कोई हक नहीं। कृषि सुधार कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की एक बैठक हुई। इस बैठक में शामिल कृषि सचिव और दूसरे अधिकारियों ने अपना पक्ष रखा। ये कमेटी सभी पक्षों की राय कोर्ट के सामने रखेगी। इजराइल के यरूशलेम में हुई बर्फबारी ने वहां के लोगों की परेशानी बढ़ा दी। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से वहां का तापमान काफी नीचे लुढ़क गया और रास्तों पर काफी फिसलन भी पैदा हो गई, जिसके बाद सड़कों पर गिरी बर्फ को हटाने के काम में खुदाई करने वाली मशीनों को उतार दिया गया। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से वहां सब कुछ धुंधला नजर आने लगा। हालांकि मौसम के इस बिगड़े मिजाज के बीच कुछ लोग मस्ती करना नहीं भूले।
मुंबई के कांदिवली में 14 दिन पहले गहनों की एक दुकान में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चोरी की यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें दिखा कि एक आरोपी ग्राहक बनकर गहनों की दुकान में दाखिल हुआ। उसने दुकानदार से गहने दिखाने का इशारा किया। दुकानदार ने भी उस पर बिना शक किए गहने दिखाने शुरू कर दिए। इसके बाद वो कुछ और गहने लेने अंदर गया। इस बीच आरोपी वहां रखी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दुकानदार अंदर से गहनों से भरा एक डिब्बा लेकर आया और उसे काउंटर पर उस आदमी के सामने रख दिया। इसके बाद आरोपी डिब्बे में रखे गहनों को देखने का नाटक करने लगा। इस दौरान उसकी शातिर नज़र बाहर की तरफ भी थी। उसने दुकानदार को कुछ और गहने दिखाने का इशारा किया और जैसे ही वो उसे लाने के लिए आगे बढ़ा, मौका पाकर बदमाश गहनों से भरा डिब्बा लेकर वहां से फरार हो गया। लेकिन घटना के 14 दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस चोरी के इल्जाम में पकड़े गए इन दोनों अपराधियों का इतिहास खंगालने में जुट गई। बिहार के छपरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें एक बुजुर्ग की शव यात्रा के समय कुछ लोगों ने हवा में फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक महिला की मौत के बाद उसकी शव यात्रा निकाली जा रही थी। भीड़ इकट्ठा थी, लेकिन कुछ लोग एक तरफ खड़े होकर खुद में मग्न नजर आए। उनमें एक शख्स के हाथों में बंदूक थी, जिसे घेरे कुछ लोग खड़े दिखे। कुछ वक्त गुजरा ही था कि मातम के माहौल से बेपरवाह उस आदमी ने हवा में लगातार फायरिंग कर दी। कोरोना से लड़ाई में मदद के तौर पर वैक्सीन दिए जाने पर कैरिबियाई देशों ने भारत की तारीफ की। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि भारत की ओर से कोरोना महामारी में वैक्सीन की मदद मिलने पर 14 कैरिबियाई देशों ने खुशी जताई और उन्होंने इस मुश्किल दौर में मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। इन सभी देशों ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई शर्त नहीं लगाने की भी तारीफ की। साथ ही बताया कि जिस वक्त दूसरे देश अपने यहाँ बनी वैक्सीन को छुपाने में लगे हैं, उस समय भारत ने खुले दिल से कई देशों को वैक्सीन देकर मदद की। कुछ दिनों पहले सरकार ने कैरिबियाई देशों को भी करीब 6 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज देने का ऐलान किया था। 7 मार्च को पीएम मोदी कोलकाता जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने 7 तारीख को कोलकाता जाएंगे और वहाँ एक रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। साथ ही उन्होंने संपर्क में आए लोगों से भी जांच करवाने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना के केस बढ़ने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जाहिर की। साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने की अपील की। कोरोना बहुत बड़ा दुश्मन है मानवता, उससे सावधानी रखें। मध्य प्रदेश के मंडला में एक बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार बस पर ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अभिनेता आशुतोष राणा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर पहुंचे। इस बीच वो एक स्कूल भी गए, जहां उन्होंने स्कूल के टीचरों और दूसरे कर्मचारियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बच्चों के साथ फोटो भी खिंचवाई। यूपी के वाराणसी में कुछ लोग धोती कुर्ता पहनकर क्रिकेट खेलते दिखाई दिए। खास बात ये रही कि मैच देखने पहुंचे ज्यादातर लोग भी धोती कुर्ते में नजर आए। राजस्थान में उदयपुर नगर निगम की बजट बैठक में कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। हंगामा उस वक्त बढ़ा जब राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उसमें मीडिया को एंट्री देने से मना कर दिया। जो उदयपुर के विधायक होने के नाते नगर निगम की बैठक में पहुंचे थे, मीडिया की एंट्री बंद होते ही बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी वो बीच में लटक गई और कांग्रेस पार्षदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। 245 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा शुरू भी नहीं हुई और कांग्रेस पार्षदों ने सत्ता पक्ष पर घोटाले का आरोप लगा दिया। मेयर गोविंद सिंह टाक की मेज के सामने जुटकर कांग्रेस पार्षद नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त समिति की अध्यक्ष रुचिका चौधरी ने बजट को पढ़ा और उसे पास करा लिया, जिसके बाद गुलाबचंद कटारिया के इशारे पर बैठक खत्म हो गई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में परिवर्तन यात्रा के समय बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया ने जमकर डांस किया। बीजेपी बंगाल के अलग अलग जिलों में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। बर्धमान भी उन्हीं में से एक है, जहां ढोल बजने पर बीजेपी सांसद एसएस अहलूवालिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ थिरकना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन यात्रा में कुछ महिलाएं भी शामिल हुई, जिनके साथ ही बीजेपी सांसद नाचते दिखे। उन्हें ऐसे थिरकता देखकर रैली में शामिल दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता भी जोश से भर गए। कुछ देर बाद पार्टी का झंडा थामे ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए।
ऑस्ट्रेलिया के हैमिल्टन में एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कंगारू घुस आया, जिसकी वजह से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि आसपास के जंगल से भटककर वो वहां पहुंच गया और इधर उधर घूमने लगा। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि ऑटोमेटिक गेट की वजह से कंगारू बड़े आराम से इमरजेंसी वार्ड के अंदर घुस गया। वार्ड का वह पूरा हिस्सा खाली था। वहां ना तो कोई मरीज था और ना ही कोई सुरक्षा कर्मी जो उसे भगाता। रिसेप्शन पर एक महिला कर्मचारी मौजूद थी, लेकिन डर की वजह से वो भी बाहर नहीं निकली। इसी बीच एक और महिला वार्ड के गेट पर आ गई और उसी के सामने वो कंगारू कूदता हुआ अस्पताल से बाहर भाग गया। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे की सबसे बड़ी जेल में दंगा हो गया, जिसमें 6 कैदियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों को मिली, वो जेल के अंदर पहुंच गए, लेकिन कैदियों ने 18 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया, जिसके बाद हड़कंप मचा। सामने आई तस्वीरों में कई कैदी कुछ सुरक्षा कर्मियों को घेर कर खड़े नजर आए। हालांकि कैदियों ने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई और उन्हें मीडिया से बात करने की इजाजत भी दी। बताया गया कि कुछ कैदी जेल से भागने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर उनका प्लान नाकाम हो गया, जिस पर उन्होंने बवाल शुरू कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने सभी सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षित छोड़ दिया। तेल और गैस की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का विरोध करने के लिए देश के कई शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। पार्टी के विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर से भी सामने आई, जहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दफ्तर से लेकर कलेक्ट्रेट तक पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दामों में लगातार हो रहे उछाल के खिलाफ रैली निकाली। इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करने के लिए उन्होंने सरकार को खूब कोसा। विरोध प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमित वर्मा ने दावा किया कि तेल के दाम अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो महंगाई की लगाम कसना मुश्किल है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो स्वाभाविक हर चीज महंगा होगा। पार्टी के हल्ला बोल की कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूपी के हमीरपुर से भी देखने को मिली, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने का अनोखा तरीका निकाला। वहां सड़क पर उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक मोटरसाइकिल को ठेले पर और सिलेंडर को एक महिला के सिर पर रख दिया। ये महंगाई की मार जो आम जनता पर पड़ रही है, हम इसका विरोध करते हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए का आंकड़ा पार कर आसमान छूने लगे। श्रीगंगानगर में पेट्रोल और डीजल इतना महंगा इसलिए भी बिक रहा है क्योंकि श्रीगंगानगर या आसपास के किसी भी जिले में कोई तेल डिपो नहीं है। ऐसे में वहां करीब 600 किलोमीटर दूर भरतपुर डिपो या तकरीबन 500 किलोमीटर दूर जोधपुर डिपो से ही पेट्रोल डीजल की सप्लाई की जाती है, लेकिन टैंकरों के जरिए इतनी दूर तक पेट्रोल डीजल पहुंचाने में काफी खर्च भी आता है और इस खर्च को भी आखिरकार ग्राहकों से ही वसूला जाता है। यानी केंद्र और राज्य के टैक्स के अलावा श्रीगंगानगर के लोगों को ये बोझ अलग से उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अब श्रीगंगानगर के करीब मौजूद हनुमानगढ़ ऑयल डिपो को फिर से खोलने की मांग हो रही है ताकि वहां के लोगों को कुछ राहत दी जा सके। राजस्थान ही नहीं, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों का विरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले तो इस मुद्दे पर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को ही धमकाने लगे। और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ आवाज नहीं उठाने पर उनकी फिल्मों की शूटिंग नहीं होने देने की चेतावनी दे डाली। आज का दे चुप है, अमिताभ बच्चन का पिक्चर किंवा शूटिंग, अक्षय कुमार का पिक्चर असेल किंवा शूटिंग, ये महाराष्ट्र में आता आम्ही चालू देणार नाही। हालांकि पटोले के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। उन कलाकारों को रोकेंगे जो कलाकार माँ भारती के साथ खड़े हैं। साथ ही बीजेपी ने राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को कम कर जनता को राहत देने की मांग भी की। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 11 महीने तक बंद रहे सिनेमाघरों को खोल दिया गया। कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां सभी एहतियात और नियम अपनाए जाने का दावा किया गया, जिसकी तस्दीक के लिए चिली सरकार के कई मंत्री और अधिकारी राजधानी सैंटियागो के एक सिनेमाघर पहुंचे। नियमों के मुताबिक सबसे पहले गेट पर उनके हाथ सैनिटाइज करवाए गए और उसके बाद उन्हें हॉल में एंट्री दी गई। लगभग एक साल बाद फिल्म देखने के लिए कई लोग भी वहां पहुंचे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो सभी हॉल में एक दूसरे से कुछ दूरी पर बैठे नजर आए। Pero máximo son 50 personas por sala y se ha dispuesto distancia entre cada butaca. के बरेली में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बरेली कॉलेज में कुछ बदमाशों ने एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि मामूली विवाद के इस कदर बढ़ने के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन जितनी बेदर्दी से वो लोग इस लड़के को पीटते दिखे उसने सबको हिलाकर रख दिया। वीडियो में बदमाशों से घिरा वो लड़का जमीन पर घुटनों के बल बेबस बैठा दिखा और सभी आरोपी उसे लात और डंडों से लगातार मारते नजर आए। इन हालात में इसके पास चीखने चिल्लाने के अलावा
दूसरा कोई चारा नहीं बचा। इस लड़के की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई। थाना दर्ज बारादरी को निर्देशित कर दिया गया है, तुरंत समस्त विधिक कार्रवाई पूरी करें। वीडियो में यह भी साफ दिखा कि शोर शराबा बढ़ता देख कुछ देर बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। यूपी में अब तक 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इस बात की जानकारी खुद राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी। साथ ही उन्होंने इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों और जनता को बधाई दी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा जन्मोत्सव की शुरुआत हो गई। राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा आरती के बाद दीप जलाकर जन्मोत्सव की शुरुआत की। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। चारा घोटाले से जुड़े 3 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और अगर इस मामले में उन्हें जमानत मिलती है तो उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले भी गिरे जिससे खेतों में तैयार गेहूं की फसल के बर्बाद होने का खतरा मंडराने लगा। बिहार के मुंगेर में घर में अचानक लगी आग ने 5 और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और किसी तरह आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घरों में रखा सामान जल गया जबकि आग में झुलसकर कई जानवरों की भी मौत हो गई। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस से जुड़ने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर कोच और टीम के मालिक को बधाई दी। I would like to thank the coaches, owners and support staff for showing faith in me. अब बात कोरोना से जारी जंग से जुड़ी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, फिर भी हम सबको कुछ सावधानियां बरतनी है। कोरोना से लगातार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है, बार बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है 2 गज की दूरी। कोरोना से जंग में ये सावधानियां आज भी हैं